दोस्तों, फ्रूट प्रोसेसर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, पर जैसे जैसे रिसर्च हुई वैसे वैसे हमें पता चला कि वो हमारे फूड के लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे फूड के कंटेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए जरूरत आई एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि ना सिर्फ हो इजी टू यूज, मल्टीपर्पज, पोर्टेबल, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री, क्योंकि एनवायरमेंट को भी तो बचाना है। तो इंट्रोड्यूसिंग यू टू दीज टू चॉपर्स जो कि मुझे मीशो से मिले हैं, प्राइस जिसका आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। इसको किस तरीके से यूज करना है इसकी भी फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डब्बा डिलीवर हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, दो डब्बों के कॉम्बिनेशन से एक पूरा पैकेज बनाया है। इसमें से जो बड़े वाला होगा इसमें 900 ml वाला होगा और छोटे वाले में 450 का हो सकता है। तो चलिए अब इसे खोल के भी देख लेते हैं। पैकेजिंग काफी अच्छे से की है और इसको खोलने में भी काफी मजा आ रहा है। तो चलिए अपने दोनों डब्बे खोल के अपने प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में जो आपका पर्पल कलर का है वो 900 ml का है एंड जो आपका 450 ml वाला है वो कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर है। तो चलिए अब इनकी पॉलिथिन को निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें कोई भी बबल रैप नहीं किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डब्बा ठीक ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, ट्रांसपेरेंट है, काफी अच्छा हार्ड प्लास्टिक यूज किया है। तो चलिए अब इसके सारे पार्ट्स देख लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसे है वो सब भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो आपका ये वाला कंटेनर है आप देख ही सकते हैं, ऐसे लॉक्स दिए हैं इन्होंने, नॉचेस दिए हैं ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए और जब आप चॉपिंग करें इसमें तो कोई भी खतरा ना हो। अगर मैं इसकी रस्सी की बात करूं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी इन्होंने रस्सी बनाई है। जनरली इसकी रस्सी जो होती है वो जल्दी टूटने वाली होती है, पर इस केस में एकदम अच्छे से ब्रेडेड है, बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो चलिए अब इनको खोल के भी देख लेते हैं कैसा है। तो अगर हम बड़े वाला खोलें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हेक्सागन टाइप है इसको होल्ड करने के लिए अपने ब्लेड को। एंड अगर हम इसकी ब्लेड्स की बात करें तो ये रहा हमारा पहला ब्लेड बड़े वाले का एंड ये वाला है हमारा मिक्सर। इससे आप लस्सी बना सकते हैं, आप अपना दूध फेर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत काम की चीज होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेक्सागन है और नीचे ये होल है ताकि ये जो नीचे वाला होल है इस पे कुछ इस तरीके से आप रख दें और ये बैलेंस होके यहीं पर घूमे और इसके आसपास कहीं ना जाए। इस वाले में एक खास बात ये है, बीच में से ये इस तरीके से खुल जाता है जिससे कि ये सिर्फ आपके ऊपर वाला या फिर नीचे वाला रह जाता है। इससे क्या होता है कि आप आराम से इसे अपना वेट चॉपर भी बना सकते हैं या फिर इन दोनों को मिला के अपना ड्राई चॉपर बना सकते हैं या फिर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन करना हो तो कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आपके पार्ट्स बड़े वाले के। तो चलिए अब चलते हैं छोटे वाले पे। इसकी भी रस्सी एग्जैक्टली वैसे ही सेम है, नॉचेस इसके काफी अच्छे हैं, बस द ओनली फर्क इज कि यहाँ पर आपको स्क्वायर मिलता है, उस वाले में हेक्सागन मिला था। इसमें अगर मैं इसके चॉपर की बात करूं तो ये वाला आप देख सकते हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम ढंग से होती है। और इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे एक होल है जो इस वाले स्टैंड पे इस तरीके से लग के इसी जगह पर घूमेगा। दोस्तों, इन तरीके की मशीन्स में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इसे पुल करते हैं तो उस टाइम ये बहुत ज्यादा मूव करता है, पर इसी के लिए इन लोगों ने ये देखिए नीचे रबर के पैड्स दिए हैं जिसकी वजह से इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है और ये बिल्कुल भी इधर से उधर मूव नहीं होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक का बना है, नीचे बहुत सुंदर मैट फिनिश इन्होंने दी है और ओवरऑल अगर लुक दें तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत क्लीन और क्लियर इन्होंने लुक दिया है। अब अगर चाकू लिया है तो ब्लेड तो टेस्ट करना बनता ही है। तो ये रहा हमारा एक पेपर, अब हम देख लेते हैं इसका ब्लेड किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत आसानी से पेपर को एकदम परफेक्टली शार्प काट दिया है, इसका मतलब कि इसका ब्लेड भी बहुत ज्यादा शार्प है। एंड इनफैक्ट जब मैं इसको हैंडल कर रहा था तो उस टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि इससे मेरी उंगलियां कट जाएंगी, इसीलिए इसको लेते दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ब्लेड्स के साथ आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं अपनी सब्जियां काटने। दोस्तों, जो आपको चॉपर होता है उसमें बाहर खींचते दौरान ही आपके ब्लेड मूव करते हैं एंड अंदर जाते टाइम ये मूव नहीं करते हैं। चॉपिंग से पहले दे दिया है हमने इसे एक इनिशियल वॉश।
तो चलिए इसमें हम अपने आम काट के इसे ट्राई कर लेते हैं। ये गए हमारे आम। अच्छे से कर दिया सील। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्या हाल है। वाओ, देखिए कितने बारीक ढंग से चॉप हुए हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से हो रहा है। तो चलिए अब इसको भी खोल के देख लेते हैं। परफेक्ट चॉप। तो दोस्तों ये सब्जियां एंड फ्रूट्स काटने के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो आई टोटली रिकमेंड अगर आप प्याज या फिर फ्रूट्स को आराम से काटना चाहते हैं तो। एंड आप मेरी उंगली के कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फाइन चॉप्ड है ये। ना सिर्फ आपके सैलेड में एक बहुत अच्छा पंच ऐड करेगा पर साथ ही साथ आपकी डिशेस में भी एक रेस्टोरेंट वाला एक प्रोफेशनल लुक दे देगा। चलिए ड्राई फ्रूट्स भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट ड्राई हार्ड चॉपिंग में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अटक चुका है और आगे नहीं बढ़ रहा है। और देखिए अंदर भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों ये वेट चॉपिंग जैसे कि चटनी बनाने में या फिर भीगे हुए बादाम को काटने में अच्छे से काम करेगा। तो अब हम ले लेते हैं अपने सोक्ड नट्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। शुरुआत के लिए थोड़े से ही कर देते हैं इसको लॉक एंड लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ड्राई के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छे से चल गया। तो अब देखते हैं अंदर कटने का क्या हाल है। वाओ, आप देख ही सकते हैं बहुत माइन्यूट चॉपिंग की है और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। 2 चम्मच दूध या पानी के साथ इसका पेस्ट बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। वाह, तो अब इसे घर पे आप गरम दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं इसे अपनी डिशेस में। तो दोस्तों ये मैंने अपना 900 ml वाला जार भी धो लिया है। इसमें लगा लेते हैं अपनी ये वाली अटैचमेंट एंड इसमें लस्सी बना के देखते हैं। तो ये गई इसमें दही और शक्कर। तो चलिए अब करते हैं अपनी मिक्सिंग को शुरू। पहले कंटेनर को अच्छे से बंद कर लेंगे और चलिए जादू देखते हैं। बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बहुत ही आसानी से चल रहा है। एंड अब चलिए देखते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। इसको कहते हैं परफेक्ट लस्सी। इसका मतलब कि इस अटैचमेंट से आप लोग अपना कोई भी शेक बना सकते हैं, बेसन के चिल्ले के लिए बैटर फेंट सकते हैं या फिर अपने एग्स को बीट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ब्रेकफास्ट की तो पूरी तैयारी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अपना बनाना या फिर मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी ये वाली अटैचमेंट, फिर डालेंगे अपने कुछ फ्रूट के पीसेस, फिर शुगर। शुगर से जो आपके मैंगो के पीसेस हैं उसे चर्न होने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड अमाउंट में शुगर, और फिर इसको चर्न कर लेते हैं। Thank you.
देखिए दोस्तों, ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऊपर से भी खोल के देख लेते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब इसमें अपना मिल्क भी ऐड कर लेते हैं। इसके हो जाने के बाद अब अपनी ये वाली अटैचमेंट और फिर अपना मिल्क। अब करते हैं इसे क्लोज एंड एक बार फिर से घुमाते हैं। लगता है हो गया। वाओ। तो चलिए इसे अपने ग्लास में निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लीजिए ये आपके लिए। गार्निश कीजिए अपनी बड़ी वाली चेरी से और एंजॉय कीजिए। डिप लवर्स को पता ही होगा कि डिप्स में हम लोग फाइनली चॉप्ड ना यूज करके मीडियम चॉप्ड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, तो उसके लिए ये वाला प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से आपको कितना चॉप करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। आई डेफिनेटली रिकमेंड इट।